नमस्कार, मैं अनु सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। बिहार में कोरोना का महाविस्फोट, एक साथ 1320 नए मरीज मिले, राज्य में आंकड़ा पहुंचा 20173। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक दिन सैकड़ों की तादाद में संक्रमण में वृद्धि देखी जा रही है। देखते ही देखते पूरा जिला इसकी चपेट में आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1320 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20173 हो गई है। कोरोना संक्रमितों के ठीक होने में गुजरात और ओडिशा से आगे बिहार। बिहार कोरोना संक्रमितों के सबसे अधिक स्वस्थ होने वाले 10 प्रमुख राज्यों में शामिल है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 71% है। पटना एम्स में परिजनों के प्रवेश पर रोक। एम्स में सिर्फ रेफर कोरोना मरीजों का ही इलाज होगा। फ्लू जांच कॉर्नर भी बंद। कोरोना के विशेष अस्पताल पटना एम्स में अब सरकारी अस्पतालों के अधीक्षकों और प्रभारियों के लेटर पर रेफर कोरोना मरीजों का ही इलाज होगा। इसके लिए एम्स के गेट पर ही जांच की व्यवस्था की गई है। वहीं मरीजों के परिजनों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3 शिफ्टों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिहार में कोसी, बागमती, गंडक और कमला नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर। बिहार के कई जिलों में बाढ़ के डर से लोगों की नींद उड़ गई है। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा और सीतामढ़ी के तराई वाले इलाके में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। महानंदा, कमला बलान, कोसी और बागमती नदियां उफान पर बह रही है, तो वहीं कुछ नदियां खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही है। नाराज कोरोना पॉजिटिव युवक ने दी धमकी और करने लगा यह काम, मच गई चीख पुकार। पटना के एक तरफ बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लेकिन कोरोना संक्रमित मरीज ने भी कमाल कर दिया। दरअसल सासाराम के जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज में 11 जुलाई को एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को इसकी सूचना दी गई, लेकिन फिर भी युवक को आइसोलेशन केंद्र में नहीं रखा गया। पटना एम्स में 5 संक्रमित समेत 10 की मौत। पीएमसीएच के 3 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के एक डॉक्टर की कोरोना से मौत की सूचना से डॉक्टर उबड़े भी नहीं थे कि एक साथ 13 स्वास्थ्य कर्मी के संक्रमित होने की सूचना उन तक पहुंची। इनमें पीएमसीएच के ईएएनटी और आई विभाग के 3 डॉक्टर, 2 पुरुष नर्स, माइक्रोबायोलॉजी विभाग का 1 टेक्नीशियन, 1 महिला सफाई कर्मी व 5 अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। पूर्णिया बढ़हरा कोठी के लाल को मिला 98% अंक, आईएएस बनने का है सपना। पूर्णिया जिले के बी कोठी प्रखंड के पटवा गांव के डी टोला पटराहा निवासी शंभुनाथ भगत और ललिता देवी के पुत्र अजीत कुमार ने सीबीएसई द्वारा आयोजित 10+2 परीक्षा में 98% अंक लाकर नवोदय विद्यालय पटना रीजन में सर्वोच्च स्थान एवं ऑल इंडिया नवोदय विद्यालय समिति में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। अजीत जवाहर नवोदय विद्यालय कोलाशी कटिहार का छात्र है, जिन्होंने कटिहार जिले में भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतिभावान अजीत के इस सफलता से पूरे गाँव में उत्सव का माहौल है। अजीत के घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है। शिक्षकों को मिड डे मील का अनाज बांटने का आदेश। बिहार में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को लॉकडाउन के दौरान एक बड़ा टास्क दिया है। शिक्षकों को लॉकडाउन के दौरान 1 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील का अनाज बांटने का आदेश जारी हुआ है। मोदी ने कहा, कामयाब व्यक्ति की यही निशानी है कि वह हुनर बढ़ाने के नए मौके ढूंढता रहे। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के मौके पर बुधवार को डिजिटल कॉन्क्लेव को संबोधित किया। आज नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की 5वीं एनिवर्सरी है। मोदी ने 15 जुलाई 2015 को इस मिशन की शुरुआत की थी। बिहार के राजभवन में कोरोना की दस्तक, एक साथ 20 स्टाफ मिले संक्रमित। पटना का राजभवन भी अब कोरोना की चपेट में आ गया है। राजभवन के 20 स्टाफ कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। राजभवन में कोरोना के प्रकोप के कारण कर्मियों और अधिकारियों में दहशत का माहौल है। भागलपुर के सुप्रसिद्ध दवा दुकान के गेट पर दमा के रोगी ने तोड़ा दम। कोरोना के डर से नहीं जा रहा है कोई पास। भागलपुर के एमपी द्विवेदी रोड स्थित आत्माराम की दवा दुकान पर बुधवार को दवा खरीदने आए एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मौत होते ही वहां हड़कंप मच गया। लोग कोरोना के डर से सबके पास नहीं गए, और तो और पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता के कारण सब दुकान के आगे ही पड़ा रहा। दोपहर 2:30 तक सबको नहीं हटाया जा सका था।
खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी बुध। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। भागलपुर सेंट्रल जेल में जिस कैदी की मौत हुई थी वो निकला कोरोना पॉजिटिव, मचा हरकंप। बिहार के भागलपुर में विशेष केंद्रीय कारा के मृत कैदी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। जेल प्रशासन ने पोस्टमार्टम के बदले अब सबको दाह संस्कार के लिए परिवार वालों को सौंप दिया। कोरोना की रिपोर्ट आने के बाद जेल में बंद कैदियों के बीच हरकंप मच गया है। गोपालगंज में बाढ़ से करीब 25,000 की आबादी हो रही प्रभावित। वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से गोपालगंज के 6 प्रखंडों के 52 गांव के 25,000 की आबादी प्रभावित हुई है। इन गांव में बाढ़ का पानी तेजी से फैलने के कारण लोगों की समस्याएं बढ़ने लगी है। कुछ लोग गांव छोड़कर पलायन करते हैं तो अधिकांश लोग आज भी बाढ़ के पानी के बीच गुजर बसर कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर में कमला नदी का कहर ढा रहा है तो वहीं बाढ़ का पानी काफी तेजी से गांव में फैल रहा है और अब तक प्रखंड के 8 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम ने प्रखंड के बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाव के लिए मोर्चा संभाल लिया है। आरजेडी विधायक ने नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, दे रहे कोरोना को न्योता। बिहार में कोरोना का कहर जारी है, अनेक नेताओं इसकी चपेट में आ गए हैं, अपने तो जान जोखिम में डाल ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं और नजदीकी लोगों के जान भी खतरे में डाल रहे हैं। विधायक झरना में ग्रुप स्विमिंग कर रहे हैं, यह मामला रोहतास के जिला के तिलौथू का है। कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइंस का ध्यान प्रदेश के नेता ही नहीं रख रहे हैं। इस कड़ी में बिहार के एक MLA का जल क्रीड़ा करते वीडियो कोरोना के काल में वायरल हो रहा है। दरअसल तस्वीरों में दिखने वाले यह कराकाट के RJD विधायक संजय यादव हैं जो कोरोना काल में जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। लॉकडाउन में रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, बिहार में ट्रेनों के चलने की इजाजत मिलेगी। बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि ट्रेनों का परिचालन होगा या नहीं। इस सवाल को लेकर रेलवे ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ट्रेनों के परिचालन को लेकर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस दौरान वर्तमान में चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों का परिचालन यथावत जारी रहेगा, यानी कि जो ट्रेनें पहले से चल रही है उन ट्रेनों को आगे भी जारी रखा जाएगा।